अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने हॉबी इंडिया का क्रोशियो थ्रेड ली हूँ और ये मल्टी कलर में है। इजीली आप लोगों को ये ऑनलाइन मिल जाएगा। नीडल ली है हमने यहाँ पर 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले आपने ये डिज़ाइन आप दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी की बॉर्डर पर बना सकते हैं। स्लिप नट ले लेंगे हम और फ्रंट साइड से हमें स्टार्ट करना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से फर्स्ट आपने स्लिप सिंगल क्रोशियो बना लेंगे। देन आपने टू चैन लेनी है, 1 एंड 2। ये टू चैन एज अ डबल क्रोशियो काम करेगा। देन आपने सेम गैप में नीडल पर धागा फोल्ड करना है और ये जो सिंगल क्रोशियो के बाजू वाला जो गैप है, इसमें आपने 6 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से 6 टाइम हमने डबल क्रोशियो बना लिया। और ये जो स्टार्ट में 2 चैन ली है, वो भी एज अ डबल क्रोशियो काम करेगी, तो इट मीन्स यहाँ पर 7 टाइम्स डबल क्रोशियो बन गए। अब हम 2 चैन लेंगे और टर्न हो जाएंगे बैक साइड में। अब हमें सेम जो फर्स्ट डबल क्रोशियो है, इसके ऊपर हमें 1 टाइम पहले डबल क्रोशियो बनाना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1 चैन लेकर 1 चैन लेनी है, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोशियो, देन 1 चैन, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोशियो, देन 1 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोशियो, और फिर ऐसे ही हर एक गैप में टोटल 7 टाइम्स यहाँ पर हमारे डबल क्रोशियो विद 1 चैन बनने चाहिए। स्टार्ट में जो हमने 2 चैन ली है, उस पर भी हम डबल क्रोशियो बनाएंगे। ये देखिए, ये वाला, इसमें भी हम 1 टाइम डबल क्रोशियो बना लेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे 3 चैन और हम फ्रंट में आ जाएंगे। फ्रंट में आने के बाद फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालनी है और यहाँ पर हम बना रहे हैं पिकॉट। पिकॉट बना लेंगे और जो फर्स्ट गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम लेंगे 3 चैन, फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालकर दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। फिर लेंगे हम 3 चैन, फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फर्स्ट गैप में इस तरीके से नीडल डालकर बाहर लेकर आएंगे और नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। 3 चैन लेनी है, फर्स्ट चैन के गैप में दोनों धागों में से बाहर आना है, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशियो। अच्छा, यहाँ पर ये पिकॉट की जगह पर हम बीड्स भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपने पिकॉट नहीं बनाना है, 1-1 बीड को अटैच करते जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बीड्स लगाया जाता है। इसी तरीके से 3 चैन लेनी है, फर्स्ट गैप में इस तरीके से पिकॉट बनाकर सिंगल क्रोशियो बनाना है। फिर 3 चैन लेनी है, फर्स्ट गैप में इस तरीके से नीडल डालकर पिकॉट बनाना है और एंड द लास्ट यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 टाइम्स हमारे पिकॉट्स के साथ में हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। देन अब हमें 2 चैन लेनी है आगे बढ़ने के लिए और स्लाइटली गैप पर, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, जहाँ तक ये झुक रहा है इतने गैप पर हमें सिंगल क्रोशियो बना लेना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन के बारे में रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन हमने 2 चैन लेनी है और सेम गैप में अगेन, जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही, 6 टाइम डबल क्रोशियो से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से 6 टाइम डबल क्रोशियो हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे
टू चैन और टर्न ले लेंगे। वन टू टर्न लेकर फर्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोशो, फिर वन चैन, नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोशो विथ वन चैन, नेक्स्ट गैप वन टाइम डबल क्रोशो, वन चैन, वन टाइम डबल क्रोशो, वन चैन, और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सेवन टाइम्स डबल क्रोशो बना लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देन हमने वन टू थ्री थ्री चैन लेनी है और फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालकर यहाँ पर हम पिकॉट बनाएंगे। देन उसको फर्स्ट चैन में अटैच कर लेंगे, फर्स्ट गैप में सॉरी, फिर थ्री चैन लेंगे, फिर सेम पिकॉट, देन सेम गैप में नेक्स्ट गैप में अटैच, फिर थ्री चैन, फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशो लेकर इस तरीके से अटैच करते हुए पिकॉट बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशो लेकर अटैच कर लेंगे, और ऐसे ही हम ये सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अर्बिनास कलरफुल थ्रेड आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें डेली न्यू अपडेट के लिए। और कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, तो आप वहाँ पर मुझे DM करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट। देन अगेन टू चैन लास्ट में, और फिर थोड़े गैप पर, जितना गैप आपने फर्स्ट इसमें लिया है उतना ही सेकंड में लेना है, उतना ही थर्ड में लेना है। ऐसे नहीं है कि ये गैप हमारा कम ज़्यादा होना चाहिए, उससे फिर फिनिशिंग नहीं दिखेगी। सो ऐसे ही आप ये कंटिन्यू फॉलो करोगे, जितनी आपको लेंथ बनानी है आप ऐसे ही बनाते जाओगे। अब मैं आपको थोड़ी और लेंथ बना के, सो गाइज़ ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करोगे। एंड करने के लिए लास्ट में आपने टू चैन लेनी है और धागा कट कर लेना है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।